दोस्तों अभी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं 40 HP से जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनमें ज़्यादातर सभी में पल्टी पटो का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लगा हुआ होता है कंपनियों को। कंपनी फिटेड आते हैं, जैसे 1744 में आता है, 55 में आता है, जो भी 40 HP से बड़े ट्रैक्टर हैं उनमें कंपनी लगा के देती है। और अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ नहीं होता है तो हमें जहाँ से हम पल्टी पटो लेते हैं तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर लगा के देते हैं। तो ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूटर हमने लगा रखा है जो पल्टी प्लो वाले देते हैं, पर हमने 1735 में 1735 में कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ने देती है पल्टी प्लो का, तो वो हमने लगाया है और बिल्कुल कंपनी फिटेड लगाया है। ज़्यादातर हमारे जो काम होते हैं वो बिल्कुल कंपनी फिटेड ही करते हैं हम, ऐसा नहीं है। अभी मैंने पावर स्टीयरिंग भी किया था तो कंपनी फिटेड ही किया है, पर हमारे जो ट्रैक्टर ओनर है उन्होंने बोला था कि मुझे डबल एक्टिंग वाला चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको डबल एक्टिंग किया है। बाकी उसके सारे जो सिस्टम है वो कंपनी फिटेड ही है। तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है, कितना खर्चा आया है पूरा वीडियो में जानकारी दी है। अगर आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर लगवाना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, सामान परचेज कर सकते हो। अगर आप कहीं दूर हो तो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको सामान भेज सकते हैं, आपको पेमेंट फोन पे में डालना होगा। बाकी आप जहाँ भी बोलेंगे हम आपको सामान अवेलेबल करवा देंगे जो भी हमारे पास होगा। और भी आपको अगर सामान चाहिए ट्रैक्टर के तो हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं, पर आपको पेमेंट डालना होगा। तो सारे सामान हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट किया है, उसका वीडियो आप देखना किस तरीके से हमने उसकी फिटिंग की है। और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के सामान आए थे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि हो सकता है कि ये किसी ऐसे मॉडल में आए हो, पर बाद में मैंने उसको कंफर्म किया कि ये कौन से मॉडल में आया है, उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने जानकारी दी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों 1735 FE है हमारे पास, ये जॉब के लिए आया हुआ है। हमें इसमें जो पल्टी प्लो का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लगाना है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई सिस्टम नहीं है। हम इसमें जो 744 और 855 में जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है पल्टी प्लो के लिए वो हमें इसमें फिट करना है, तो उसका हमने पूरा किट मंगाया है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगी, एक तो ये जो पाइप है ये चेंज होगी, यहाँ से उसका कनेक्शन जाएगा तो सीधा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें लगेगा, और एक कनेक्शन वापस आएगा जो इसमें लगेगा, तो वो इस तरीके से फिट होगा। क्या क्या प्रोसीजर रहता है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास आयशर खड़ा हुआ है उसमें दिखा देता हूँ मैं। ये जो ट्रैक्टर है इसमें वो सिस्टम अलग से लगाया है इन्होंने, और हम जो लगाएंगे वो कंपनी वाला लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ से इसको कनेक्शन को, ये कनेक्शन इसमें लगता है, तो इन्होंने यहाँ से कनेक्शन लिया इन वाला और इसको दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, और यहाँ से आउट कनेक्शन वापस इन्होंने हाइड्रोलिक को दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया जो अलग से पल्टी प्लो वाले जो लगाते हैं वो है, और बाकी कंपनी जो देती है वो मुझे उसमें फिटिंग करना है। वैसे मैंने 1744 का 35 में तो फिटिंग कर रखा है। ये ट्रैक्टर होगा मेरे हिसाब से 11-12 मॉडल ट्रैक्टर होगा ये, या हो सकता है उससे थोड़ा पुराना हो, तो इसको हमें इसमें फिट करना है। तो इसकी क्या कॉस्ट रहती है वो भी आपको दिखा देंगे। वैसे 10,000 के समथिंग इसमें खर्चा आएगा, और हम इसको फिट करके बताएंगे। काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 4-5 ट्रैक्टर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हो सकता है मैं इसको पूरा फिटिंग करके ही वीडियो बनाऊँ, इसका क्या क्या सिस्टम रहता है। एक हमें इसमें होल भी कराना पड़ सकता है यहाँ, या तो इसमें होल करा देंगे या फिर कहीं इसमें हमें लगेगा तो इसमें देख लेंगे, फिर जो भी होगा क्या सिस्टम रहता है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि यहाँ एक होल करके
और उसको कंपनी जो फिटेड देती है उसी का टाइप का फिट करें। तो ये कंपनी वाला हम फिट करेंगे दोस्तों, तो जल्दी से हम इसको फिट कर लेते हैं। पहले इसका हम किट देखेंगे क्या क्या सामान इसमें निकलते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके सामान हैं जो हमने परचेज किए हैं, पूरा किट हमने इसका मंगवाया है। एक तो ये इसकी पाइपें हैं, दो पाइपें हैं इसमें, पर इसमें क्वांटिटी में एक ही है, मतलब एक पाइप दो जॉइंट में आई है हमारे पास। वैसे जब कंपनी से जो ट्रैक्टर आता है उसमें सिंगल ही होती है, पर ये भी हमने कंपनी से मंगाई है, उन्हीं पार्ट नंबर पे मंगाई है, पर कंपनी ने हमें ये भेजी है। तो ये किस तरीके से फिट होगी आगे हम आपको दिखाएंगे। और ये हमने किट मंगाया है क्योंकि कंपनी भी इसमें पूरा किट अलग से नहीं देती है, तो हमने बॉश कंपनी का मंगाया है। और सारे सामान इसमें है मेरे हिसाब से, करीबन इसमें सारे ही सामान है। तो ये दो इसके मेल फीमेल है, तो हम इनको सबको सामानों को बाहर ले लेते हैं एक बार, क्या क्या सामान इसमें निकलता है, कौन सी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा निकलती है, कौन सी चीज़ इसमें कम निकलती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके ये बेंज बोल्ट निकले हैं, चार इसमें 24 नंबर बेंज नट है और दो जो एक 19 नंबर है। बाकी इसके ब्रेकेट के नट भी निकले हैं और ये इसके एडोप्टर निकले हैं पाँच, और ये इसके वाइशर हैं, डोटी वाइशर जो हम इसमें बेंजू बोल्ट में काम में लेंगे। और ये इसकी एक पाइप है, और भी बहुत कुछ इसमें सामान है, जैसे कि ये तीन नट है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में लगेंगे, और दो नट 19 नंबर है वो हमारे ब्रेकेट में लगेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के। तो करीबन सारा ही सामान हमें मिला है, एक एक वाइशर, बेंजू वाइशर भी कंपनी ने दिए हैं, डोटी वाइशर भी कंपनी ने दिए हैं, स्प्रिंग वाइशर भी कंपनी ने दिए हैं, करीबन सारा ही सामान इसमें निकला है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर हमने पहले से ही मंगवा रखा था, बाकी जो सामान है अभी हमने परचेज किए हैं, ये 4200 कुछ रुपये का है प्रजेंट टाइम इसकी रेट है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी माइको बॉश ही बनाती है, तो हमने बाकी जो सामान है वो माइको बॉश से मंगवाए हैं, जो जिस डीलर से हम मंगवाते हैं उन्होंने ये भेजे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें बॉश लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर पे भी, ये बॉश कंपनी इसको बनाती है। तो ये हमने पहले मंगवा के रख रखा था, स्वराज कंपनी से हमने इसको मंगवाया था। तो आप देख सकते हैं स्वराज का ओरिजिनल है, जो अभी ट्रैक्टर के साथ आते हैं स्वराज 744 और 855 में, वही डिस्ट्रीब्यूटर हमें इसमें फिट करना है। तो अभी हम इन सब सामानों को निकाल लेते हैं। और ये जो इसकी पाइप है, वैसे तो ये दो भाग में आई है पाइप, और ट्रैक्टर में जो पाइप आती है वो एक सिंगल पाइप होती है, तो हो सकता है ये किसी न किसी मॉडल में लगती हो, क्योंकि ये जो सामान है सब हमने कंपनी से परचेज किए हैं, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हीं से हमने ये सामान मंगवाया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैक्टर में ज़रूर लगते होंगे ये। तो ये किस तरीके से फिटिंग होंगे तो हम आपको इसको अच्छी तरीके से फिटिंग करके ही बताएंगे। तो एक बार हम इसको फिट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये 735 में फाइनली हमने जो पल्टी ब्लो का डिस्ट्रीब्यूटर है वो लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने इसको कुछ इस तरीके से फिटिंग किया है। इसमें जी ये जो पाइप है ये थोड़ी हमें आउट लगी है, इस जगह से निकल रही है, जो कंपनी पाइप देती है वो इस तरीके से यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से निकलती है इस जगह से। और इसका पीछे का जो सिस्टम है ये इस तरीके से लगा है, एक पाइप यहाँ से लगी है, हमने इसमें हाइड्रोलिक में होल करवाया है, इसमें 19 नंबर नट ये लगाया है, एक इसका 24 नंबर नट इसमें लगाया है, और पंप से जो प्रेशर आया है वो हमने इसमें लगाया है इस जगह। ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये यहाँ से इस जगह हमने इसको फिटिंग किया है, और इसका जो रिटर्न है ये यहाँ गया है, और इसका वापस आउटलेट है जो ये इस जगह हाइड्रोलिक में गया है। और इसको हम इसको एक बार स्टार्ट करके भी चेक कर लेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, हमारी हाइड्रोलिक कहीं से कोई लीकेजिंग तो नहीं है। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है और हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये काम कर रहा नहीं कर रहा। इसकी जो हाइड्रोलिक को चेक करेंगे अभी, इसकी हाइड्रोलिक काम कर रही है अच्छे से। तो हमने कोशिश ये की है कि इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल कंपनी जैसी ही हुई, बिल्कुल जो कंपनी देती है सेम सिस्टम वही रहा है, सिर्फ ये जो पाइप है ये इसमें थोड़ी अलग आई है। ये हो सकता है अभी जो कंपनी ने नए मॉडल में दी हो, ये भी हो सकता है। पुराने जो ट्रैक्टर आते हैं जिनमें ज़्यादातर हमने देखी है वो यहाँ से लगी हुई है पाइप आती है यहाँ से आके और इस तरीके से यहाँ निकल जाती है, पर इसमें हमें थोड़े लगाने में थोड़ी इसको दिक्कत हुई, पर फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पल्टी प्लाउ लगा के फिर चेक करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो बिल्कुल ये कंपनी जैसा फिटिंग किया है हमने। तो दोस्तों फाइनली हमने सवरा 735 एफी में एमबी प्लाउ का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको फिटिंग कर दिया है। फिटिंग आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल कंपनी से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं सेम वैसी ही फिटिंग हुई है। आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं, पाइपें देख सकते हैं, बेंजू बोल्ट देख सकते हैं, एक एक चीज़ का हमने बिल्कुल बारीकी से ध्यान दिया है और सारा सिस्टम वैसा ही लगाया है जैसा कंपनी देती है। पूरी कोशिश हमने यही की है, बाकी आप कमेंट करके बताना किस जगह इसमें कमी है या बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ है। दोस्तों वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है अलग से जो पल्टीप्लो वाला है लगा कर देते हैं, उसमें लीकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो लीकेज होते हैं। इसको ट्रैक्टर में लगा के चेक करेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो अभी हमने इसको कंप्लीट ट्रैक्टर में फिटिंग कर लिया है, इसकी लाइन वगैरह सब जोड़ दिए। अब हम इसको आपको चला के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से काम कर रहा है और बिल्कुल ओके काम कर रहा है। फिर ये खेत में चलेगा तब इसको ओरिजिनलिटीज की परफॉर्मेंस क्या है तब पता पड़ेगी, पर अभी ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे ही इसको पलटी खिलाते हैं वैसे ही ये पलट रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये पलटी प्लो भी इन्होंने लिया है ट्रैक्टर मालिक ने। तो पलटी प्लो का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमने फिट किया है, बिल्कुल ओरिजिनल फिट किया है। अगर आप इसको फिट करवाना चाहते हैं तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास इसका किट मिल जाएगा और हम आपको इसको फिटिंग करके भी दे देंगे। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, सौरा 735 एफी में एमबी प्लाउ में हमने डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है, डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर जो पल्टी प्लाउ में काम आता है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूजन था कि इसकी जो पाइप है ये कौन से ट्रैक्टर में आई है, उसके लिए मैं शोरूम पर गया स्वराज के, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ये स्वराज 855 जो ट्रैक्टर आ रहे हैं अभी लेटेस्ट मॉडल उसमें कंपनी ने दी है 4 स्टार जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, सॉरी 5 स्टार जो ट्रैक्टर आ रहे हैं 855 उसमें ये सिस्टम दिया है। जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो पाइप है मुझे थोड़ी आउट लग रही है, हो सकता है ये लेटेस्ट मॉडल में आई हो। तो ये लेटेस्ट मॉडल जो 855 है 5 स्टार डबल क्लच जो ट्रैक्टर है उसमें ये सिस्टम आया है, वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर का जो सिस्टम हमने फिटिंग किया है अभी, जो मैं आपको बता रहा था आगे कि उसमें जो पाइप किस तरीके से अलग थोड़ी मुझे नज़र आ रही थी, तो ये उस ट्रैक्टर की पाइप है, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रैक्टर की पाइप है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।